मेरा एक सपना है कि वो 10 करोड़ भारतीय बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। 10 करोड़, यानी कि 2 यूनाइटेड किंगडम के बराबर की आबादी। मेरा एक सपना है कि हर छोटे किसान को अपने बच्चों से माफी नहीं मांगनी पड़ेगी या फिर कर्जे में डूबकर आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। मेरा एक सपना है कि ऐसा समय आए कि हम यूनिस खान की सिक्सर को उतना ही इंजॉय करें जितना युवराज सिंह के सिक्सर को करते। मेरा एक सपना है कि किसी भी लड़की को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर ना चलना पड़े, बल्कि वो यह समय अपने स्कूल में बिताए। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे पास इस देश के सड़क के सभी बच्चों को इकट्ठा करने के लिए दिल, समय और साधन हो। उनको एक ट्रेन में भरकर एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां वो ठीक हो सके, हंस सके, खा सके, खेल सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मेरा एक सपना है कि हम महसूस कर सके कि ये देश के झुग्गी वासी देश के कॉकरोच नहीं है, बल्कि ये गरीबी में अपने गांव से निकले हुए वो पिता है जो आज भी पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि 3 घरों में काम करने वाली वो माताएं हैं जो अपने बच्चों को वो दे सके जो शायद उन्हें कभी नहीं मिला, स्कूल जाना। और वो बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो किसी भी आम बच्चों की खुशी और आंसू के समान एक खुराक की तरह है, ना कि गंदे जीव रसे हुए जीव जो कि आज भी बारिश में प्लास्टिक की थैलियों में न्यूज़पेपर को रखे हुए हर रेड लाइट पर किसी कार की खिड़की को खटखटा रहे, जहां किसी भी हॉकी के खिलाड़ी को कम से कम अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए अपने गोल्ड मेडल्स को बेचना ना पड़े। मेरा एक सपना है कि एक दिन हम सब कुछ करना बंद कर दें, सब कुछ जो भी हम अभी कर रहे हैं, लैपटॉप में काम करना, क्रिकेट प्रैक्टिस में पसीना बहाना, चाय पीना, मेट्रो पकड़ना, सब कुछ, और सब एक विचार करें, एक समय पर, एक लम्हे पर सब एक विचार करें कि हम सब भारतीय हैं और हम सब अनोखे हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि भले ही हम जुबानों से लड़ाई करते हो, कभी कभी लात घूसों से भी, खुद कई जोक्स पे हंसते हो, फोन पर जोर जोर से बातें करते हो और एक्सरसाइज ना करने का बहाना ढूंढते हो, लेकिन हम सब अनोखे हैं। क्योंकि आज भी हमारे घर आया हुआ मेहमान कभी बिना चाय पिए नहीं जाता, साथ में थेपला, वड़ाई, सिंघाड़ा कुछ तो होता ही है। हमें बुरा लगता है जब हमारे सामने से कोई बुजुर्ग निकल जाता है और हम खड़े होकर उसका सम्मान नहीं करते हैं। हम हाथ मिलाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि बड़ों को झुककर उनका आशीर्वाद लेने में विश्वास रखते हैं। पहले हम क्रिकेट सिलेक्टर्स हैं, उसके बाद बैंकर, लॉयर या कुछ और। आज भी हम चक दे के क्लाइमेक्स को चीयर करते हैं, टीवी पर डेली शोज देखते हैं और सबसे जरूरी, हम सचिन तेंदुलकर को प्यार करते हैं। और उस विचार के उस लम्हे में जब हमें यह मालूम पड़े कि हम एक जैसे ही तो हैं, तब हमारे पास एक चॉइस होगी कि हम अपने दोस्त, करीबी रिश्तेदार या बगल में बैठे उस अजनबी से ही कहें कि हम 134 करोड़ हैं आबादी में, यानी कि देश की, पूरी दुनिया की 753 करोड़ की आबादी में 134 करोड़, मतलब हर 5 लोगों में एक भारतीय। तो क्यों ना हम साथ मिलकर अपनी सोच बदले और इस सपने को पूरा करें। जय हिंद। हाय गाइस, मैं हूं जयवर्धन सिंह। मेरा नाम है सचिन सिंह। और मेरा नाम है अनुराग पवार। सो दिस वीडियो वाज स्क्रिप्टेड बाय जयवर्धन और कोरियोग्राफ किया है सचिन और अनुराग ने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।